honestly funny, but like what if कि मालवा की धरती में जो मैंने देश के रत्न दिया है माननीय सत्ता जी, मैं तो बहुत मान सकती हूँ। मैंने एक तरीके से मैं टाइम से उनको पिता के समान मानती हूँ। एक बार उनके अभिनंदन में प्रथम शोभा के अंतिम शोभा की ताली हो गई है। ये भी जरूरी था कि मैंने मुझे इनसे अगले कल सम्मेलन भी लेने हैं। माना की रिश्वत नहीं दे सकते लेकिन बटर जरूर लगा सकते हैं। कितनी देश में कितनी जगह पे दावा लाए हुए वह पंतिया बीच में रख रहे हैं उन मुसलमान बहनों से क्षमा चाहते हुए जो कि इस विचारधारा से नहीं। लेकिन मकबूल फिदाउसन ने क्योंकि अपनी विचारधारा में अंतर रखा, एक तरफ उन्होंने अपनी माँ का जो चित्र बनाया उसे क्या हिंदू देश में श्रद्धा कराई, और जो हमारी माता की माता लक्ष्मी के नग्न चित्र की प्रदर्शनी विदेशों में जाकर लगाई, तब मैं उनसे बात कर रही हूँ कि जिसने शिवाजी के सामने गौर बालू को लाया जताया तो वे कहते हैं इनमें हम अपनी माँ दिखती है। लेकिन अब अगर इतिहास खुलाया गया तो अब क्या होगा? अंतिम पंक्तियों पर वास्तव में आप सच्चे राष्ट्र होते हैं और आज भी आप ऐसा समझते हैं कि आपका फर्ज बनता है माता और बहनों की लाज बचाने को, तो आपको आशीर्वाद दीजिएगा कि कोई कोई दिखी शिवा को कोई कोई दिखी शिवा को माँ की याद आएगी, जिसे नीना बाजारों में सोनी सोनी जाएगी, मकबूल बाजार जाओ बनना अपने देश में मचाएगी, हिंदुस्तान में कोई भुलके वाली बचना पाएगी, हिंदुस्तान में कोई भुलके वाली बचना पाएगी। इसी तरीके से बोले कि आज तक हमारे श्री राम छिल्लियों के नीचे खड़े थे, बोले तुम्हारे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो सारे कवि मायावती से मिलने जाते हैं और उनसे अपने अपने अंदाज में बात करते हैं। किस तरह बात करते हैं सुनिए। सबसे पहले जाते हैं नीरज जी मंच के, ये बात सबसे पहले करते हैं, उन्हें सबसे आगे रखा जाता है। वे बात कर रहे हैं मायावती से, किस तरह बात कर रहे हैं सुनिए। आपके शहर में लिखिए अगर आप सुनाएंगे तो मैं पूरे देश में करूंगी और ये कह के पढ़ूंगी कि इस बार के श्रोताओं से मैंने इससे शुरुआत की। क्या कह रहे हैं? ओए कश भाई मुझे माया मिल गई, ओए अटल जी कह रहे हैं मायावती से, ओए कश भाई मुझे माया मिल गई, सेवा दिन में दिल की कहीं खिल गई, ओए कश भाई मुझे माया मिल गई, सेवा दिन में दिल की कहीं खिल गई, अब तो भर गया है मेरा दिल, पड़ गई है पीछे ही, ओ पर हम आएंगे ये कुर्सी के नीचे जी, ओए कश आगे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
अंतिम सुना रही कि घोड़ा भागा साइकिल पंचर, घोड़ा भागा साइकिल पंचर कांग्रेस की हालत बदतर, घोड़ा भागा साइकिल पंचर कांग्रेस की हालत बदतर, कुर्सी पे देखो जा बैठी बोक्ता जी की छोरिया, सरपंच बप्पा मोरिया, सरपंच बप्पा। और वंदे मातरम रचना, ये तो मैं आपसे जुड़ने के लिए, आपको जागृत करने के लिए मेरी विधानी है, जैसा कि मेरे विषय में बताया जाता है, मैं उसका परिचय दे रही हूँ। और भी जैसे दादा ने भी कहा इधर के श्रोताओं के लिए, क्योंकि मुझे आपकी हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी कि होगी मधु बहुत जो तितलियों से प्रिय थी, होगी मधु बहुत जो तितलियों से प्रिय थी, अब चारिका बनी जो मधुबन के मध सचिव की, आह्वान कर रही हो ये जान करके करना, आह्वान कर रहे हो ये जान करके करना, उजाला मुखी का अमृत संजीवनी ऋषियों की। इसलिए अब कविता उसी रंग से सुनेगा जिस तरीके से बनी जा रही है, कम से कम अपने इस देश के पुरुष होने का परिचय दीजिए। क्या आज हम आजादी की 85 वर्षगांठ मना रहे हैं? देश को खाई में खड़ा कर दिया गया है, उसके कागार के आगे खड़ा कर दिया है, जहां उसके भाई दिखते हमारे देश को करना बाकी है। तो अगर वास्तव में हम देश को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? मैं बात करना चाहूंगी, आज का ये मंच इस तरह लग रहा है जैसे कि वास्तव में भारत का नक्शा बनाया गया, ऊपर काश्मीर, इधर दक्षिण, पूरा इधर दक्षिण, भगवान इन्हें सफल करके लौटे जो नजीर से मिलने जा रहे हैं। भारत को काफी माता मान देते हम, आज संसद में वंदे मातरम बोला जाता है तो लोग उसके विरोध में खड़े होकर चले जाते हैं, उनके बच्चे लोग, लेकिन यह नहीं जानते कि वंदे मातरम का तो अर्थ है वंदे मातरम अर्थात मातृभूमि की वंदना। आज हम आज कल्याण जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ जगह जहां पर हम कल्याण जय श्री राम भी नहीं कर सकते, लेकिन वे यह नहीं जानते कि राम, अभी बताया पिछले दौर में कि राम के विषय में मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ कि राम किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक मजहब या किसी एक जाति में नहीं बांधा जा सकता। राम तो एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, जिन्होंने पूरे मानव समाज को मर्यादित जीवन देने की आचार संहिता दी है। इसलिए जय श्री राम को सांप्रदायिक करना ये गलत है। इन सभी बातों को छूटते मैं अपनी रचना के रूप में रख रही हूँ, आपसे पूरा पूरा आशीर्वाद चाहते हुए सुनिए। भारत को कभी माता मान देते हम, भारत को कभी माता मान देते हम, जिससे त्याग का जीना था अपना कर्म, मरने वाले बेटे जिस पर पड़े नहीं कम, फांसी पर भी जाते थे वो वंदे मातरम, फांसी पर भी जाते थे वो वंदे मातरम। आजादी को पूरे सदन का आशीर्वाद करते हुए इस तरीके से छुट्टे काली से मैंने पहले भी कहा मेरा काम नहीं चलता, तालियां बजानी तो जोरदार तालियां बजाइए। चलिए बात कर रही हूँ कि हमारे संसद में क्या चल रहा है, कि देश को तो तेरा दर्द रहे है चके, देश को तो तेरा दर्द रहे है चके, कुर्सियों पे खूब ज्यादा कर कर किसका खेल, घोड़े का देखा में ऐसा हुआ मेल, शेर की तेंदुए भी हो गए है तेल, शेर की तेंदुए भी हो गए है तेल, संसद में वो जिलती नेता हो कि तेल, जो भी ऊंचा और मैंने बहुत ही अच्छा संदर्भ शायद किसी कवि ने नहीं कहा, लेकिन मैंने बात ये सुनी है कि अभी जब देवगुड़ा को मिटा दिया गया, किसी तरह केसरी पूरी कांग्रेस से प्रश्न किया, लोगों ने पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आखिर आपने बिगड़ किसी बात के क्यों हटा दिया, क्यों हटा दिया है? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ कोई आम सुनवाई नहीं की,
किसी आम किसी रास्ते मुद्दे पर हमसे बहस नहीं थी, हमारे साथ बैठक नहीं थी, तो आखिर देवगुड़ा ने इनके साथ क्यों नहीं किया? इस बात का उत्तर मैं देवगुड़ा की ओर से पूरी कांग्रेस पूरी हिंदुस्तान की जनता को दे रही हूँ। सुनिए, उनका स्वरूप ध्यान में रखिए कि वे लुंगी पहनते हैं। इस जीता पूरा घोड़ा दौड़ उठता नहीं, जीता पूरा घोड़ा दौड़ उठता नहीं, मालिक को कभी खुद छोड़ता नहीं, गधे वाली आज से वो ओढ़ता नहीं, उनकी गन जाए हाथ जोड़ता नहीं, केसरी के बने कुछ पता ही नहीं, क्योंकि लुंगी वाला हिंदी बोलता नहीं। छोड़ जाने के लिए कि मैंने एक प्रश्न लालू प्रसाद यादव से भी किया है, वह था स्मरणीय लालू प्रसाद यादव। उनके विषय में आप जानते ही हैं कि उनकी पत्नी का नाम रबड़ी देवी है, देशवासी, और इस देश की व्यथा यह है कि घर में रबड़ी और पति चारा खा रहा है। बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, ज्यादा दूध देने वाले जानवरों को दुधारू कहा जाता है, जो जानवर ज्यादा दूध देते हैं। इस शब्द को ध्यान रखते सुनिए कि रबड़ी के पति और मुलायम से गुरु, रबड़ी के पति और मुलायम से गुरु, बच्चों वाला मिशन क्या अभी है शुरू, बच्चों वाला मिशन क्या अभी है शुरू, बोले मजबूर हूँ मैं बोलो क्या करूँ, कैसे खुद करूँ मैं नियंत्रण करूँ,